सीटों पर चर्चा की और अपने अपने तरफ से अपनी अपनी बातों को कहने का काम किया और अंत में सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो भी हम फाइंडिंग्स देंगे यहाँ से राज्य से अंततः निर्णय आला कमान को लेना है और हम लोगों ने आला कमान को सर्वसम्मति से अधिकृत कर दिया है कि वो निर्णय लेंगे। देखिए जब भी कोई पार्टी बात करती है तो अपने सभी 14 सीटों के लिए बात करती है, गठबंधन की भी बात चल रही है, गठबंधन से जब जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, तत्काल हम लोग सभी सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए हर जगह से हम लोगों ने 3 नाम मांगे थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और अब अगला सवाल ये भी हो सकता है कि कौन उम्मीदवार होगा, तो उससे पहले मैं कह दूं कि आला कमान को हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है, उनका जो फैसला होगा सर माथे पर होगा। बिल्कुल स्क्रीनिंग कमेटी बैठने की बात नहीं है, स्क्रीनिंग कमेटी के सभी लोग आ रहे हैं, वो उनसे जो लोग मिलना चाहते हैं, जो लोग अपना पक्ष रखना चाहते हैं, जो लोग झारखंड के बारे में बात करना चाहते हैं, जो लोग अपने बारे में बात करना चाहते हैं, जो लोकसभा के बारे में बात करना चाहते हैं, वो सब लोग वहां जा कर के उनसे मिल सकते हैं। कब तक उम्मीद करें कि उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी कर लेगी? पहले चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा करने दीजिए, उसके बाद हम लोग उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व था क्या वही 3 लोग शपथ लेंगे या फिर कुछ बदलाव दिखेगा? ये निर्णय आने पर आपको बताया जाएगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.